शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बेतिहाता स्थित श्री गणेश प्रोविजन स्टोर पर छापेमारी करके सरसों के तेल एवं दाल के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला के लिए भेजा। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्रेश प्रसाद कुशवाहा, प्रतिमा त्रिपाठी एवं सतीश सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने बताया कि आयुक्त के आदेश पर सरसों तेल एवं दाल के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि खाद्य सामानों की खरीदारी करते समय उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने कहा, ये भी बंद कर दो। ये यार ऐसे थोड़ा सा चले। अब ये स्टेटमेंट निकलवा के मुझे देंगे। क्या ये मिलेगा? ये सीएम साहब के निर्देश पर जो खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है उसकी रोकथाम के लिए हमारे विभाग में हमेशा अभियान चलता रहता है, लेकिन अभी जो अभियान चल रहा है वो मुख्य तौर से दाल और सरसों के तेल में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए है मिलावट रोकने संबंधी। तो इसके लिए आयुक्त महोदया ने आदेश जारी किया था, जिस पे अभी तो अधिकारी महोदय ने टीम गठित किया है और हम लोग चीफ साहब, चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के नेतृत्व में जगह जगह छापामारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज इस स्टोर से हमने सरसों का तेल और दाल का सैंपल लिया है और बाकी शहर में और तहसीलों में भी ये कार्रवाई चल रही है। जैसा भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।